बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दीक्षा ऐप लागू किए जाने संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, डीसी प्रशिक्षण, डीसी निर्माण, एसआरजी, एआरपी एवं तकनीकी टीम के साथ मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके छात्रों को शिक्षा ग्रहण कराया जाए, जिससे छात्रों का उन्मुखीकरण किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान बीएसए बीएन सिंह ने जिलाधिकारी को प्रेरणा लक्ष्य, कक्षावार प्रेरणा तालिका, संवर्धन मॉड्यूल तथा ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित तकनीकी मैनुअल की प्रति दिया गया। तो इसलिए हम लोग फोन नंबर डालते हैं, फोन नंबर डालने के बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। 8 कैरेक्टर में कैपिटल लेटर में इंग्लिश का अल्फाबेट हो, स्मॉल लेटर में हो, स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर में हम @ हैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नंबर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमको पासवर्ड बनाना हो तो मेरा नाम राकेश है, हम कैपिटल R कर देंगे, AKESH @ और ईयर ऑफ बर्थ डाल रजिस्टर करेंगे 5 नंबर पे तो हमारा रजिस्टर होंगे। इसके बाद यह हमसे एक इस तरह का कैप्चा आएगा, फिगर कैप्चा आएगा, इसमें हम इसको जैसा डिमांड हो आ गया हमने उन्हें दोबारा मिलेगा और फिर हम OTP डालने के बाद उसे सबमिट करेंगे। प्रोसेस किया अभी तक रजिस्ट्रेशन का, वो सक्सेसफुल हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये जब रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया तो हम क्या करेंगे कि जो हमने हमारी ID थी यानी मेरा फोन नंबर और जो हमने पासवर्ड तैयार किया था उसके थ्रू हम एक बार लॉग इन करेंगे फिर अपने आपको। तो शिक्षा के अलावा कोई देश को बदलने के लिए मेरे हिसाब से कोई साधन संसाधन नहीं। जैसे मैं सीखता हूँ, भी पढ़ता हूँ, IGOT करके हम लोग का अलग है, ताकि भारत में एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो ज्ञानी है, विद्वान जो भी है अपने चीज़ को डालने चाहते हैं वो अपलोड कर सकता है और उसके बाद सीखने चाहता है वो अलग अलग मॉड्यूल है, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में सीखना, उसको भी उस पर ऑप्शन है। और नहीं तो ये टेक्निकल चीज़ है, जैसे हम तो कोविड के समय में अपडेट करते रहते हैं उसी से, हम जैसे लोग का कोई जानकारी लेना उसको भी उस पर है ऑप्शन है। इसी के कितने आप इम्प्रूव वैल्यू एड कर सकते हैं, आप और कितने और बेहतर करा सकते हैं उसको आप फीडबैक भी दे सकते हैं और भी डाल सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है, कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए तो इसको आप अच्छे माध्यम के रूप से आपके बच्चे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड से है, कोई इस पर वो जो उस पर मेमोरी के लिए कोई लिमिट नहीं, और ये बहुत अच्छा कंटेंट है। कंटेंट की वाइज उसको ऑडिट भी करते हैं बीच बीच में, तो कंटेंट जिसको क्वालिटी अच्छा नहीं तो वो अपने आप चढ़वा भी देते हैं। और इस प्लेटफॉर्म में हम चाहते हैं धीरे धीरे करके जो केवल जो पढ़े लिखे लोग के बीच में नहीं है, बच्चे के बीच में भी चले जाए और इनका अभिभावक के बीच में भी चले जाए, ताकि आज का स्मार्टफोन का जमाना है, हम लोग का तो भारत में तो करीब 90% का पेनिट्रेशन, भारत मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने वाले संख्या में हम लोग दूसरे नंबर पर और अन्य देश से, और एक तरफ एक 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 बेसिक कंपोनेंट बन गया, किसी घर पे टीवी है कि नहीं है भी, बट कम से कम तो एक परिवार में कोई स्मार्टफोन तो हो, और उसी से अनेक चीज़ के लिए व्हाट्सएप इत्यादि तमाम तमाम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसी के एक अच्छा माध्यम है ये, इसको शिक्षा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं और वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। इसको आप भी सीख लीजिए, आप भी देख लीजिए और आपके बच्चे को भी बता दीजिएगा। और ये एक लक्ष्य जरूर मैं चाहता हूँ आपका, यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलता है तो उसको आधे घंटे एक घंटे थोड़ा समय लेती है, प्रेजेंटेशन आपका सभी अभिभावक का टीचर का स्टूडेंट को भी बता दीजिए, समझा दीजिए। लेकिन इस समय मैं क्लास 9 के ऊपर तो हम लोग अलाउ किए हैं, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बाकी बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स के ऑनलाइन के माध्यम से ही हो रहा था। इसको प्लेटफॉर्म को आप आराम से उनको बता सकते हैं या एक घंटे भी समझा देंगे आराम से, हर बच्चे उसको इस्तेमाल कर लेंगे। मैं चाहता हूँ उसको बढ़ावा दीजिए और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे तक पहुँच जाए और सारे अभिभावक तक पहुँच जाए और उसको फायदा सभी लोग दें। और भी आपका सुझाव कुछ है तो वो भी दे दीजिएगा, सुझाव भी सामने करते हुए कैसे बेहतर कर सकते हैं उस हिसाब से बेहतर दीजिए।
यही मेरा अनुरोध है।